नमस्कार, मैं हर्षवर्धन। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस क्या है। अब हम इस बात में बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर में लगी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के साथ जुड़ी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक क्या है, कीबोर्ड की अलग अलग कीज़ के क्या कार्य हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस से। अभी तक हम ऐसे उपकरण के बारे में बात कर रहे थे जो कंप्यूटर में आउटपुट देने का कार्य करते हैं। अब हम ऐसे उपकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करती हैं। कंप्यूटर को इनपुट देने से तात्पर्य कंप्यूटर में डेटा फीड कराने से है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट डिवाइसेस की सहायता से दिया जाता है। इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक इत्यादि। आइए जानते हैं कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा उपकरण होता है जिसमें कंप्यूटर में सूचनाएं दर्ज करने के लिए बटन दिए गए होते हैं। इन्हें हम कीज़ कहते हैं। टाइपराइटर की बोर्ड का मुख्य हिस्सा होता है। यह मुख्यतः टाइपिंग संबंधित कार्य करने में काम आता है। इन्हीं कीज़ से हम किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमको कंप्यूटर में फॉन्ट बदलना होगा। आइए एक एक कर इन कीज़ के बारे में जानें। फंक्शन की। टाइपराइटर की के सबसे ऊपरी भाग में एक लाइन में F1 से लेकर F12 तक संख्या के बटन रहते हैं। इन्हें ही फंक्शन कीज़ कहा जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते समय इनका उपयोग उसी सॉफ्टवेयर में दी गई सूची के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर MS Office के बारे में जानने के लिए सहायता लेनी हो तो MS Office के किसी भी एप्लीकेशन में F1 कीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। कर्सर कंट्रोल की। इस की से कंप्यूटर के कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। इससे आप कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट आसानी से ले जा सकते हैं। यह कीज़ बोर्ड पर एरो के निशान से प्रदर्शित होती है। कीबोर्ड पर एरो की के अतिरिक्त कुछ और कर्सर कंट्रोल की भी मौजूद रहती है। ये इस प्रकार है। पेज अप की। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से पेज डाउन की। इसका प्रयोग अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है। होम की। इस की का प्रयोग कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए होता है। इसी तरीके से एंड की। यह कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है। कैप्स लॉक की। सामान्यतः अक्सर लोअर केस में ही टाइप होता है। यदि आप एक बार कैप्स लॉक को दबा दें तो टाइप किया जाने वाला अक्षर अपर केस में टाइप होता है। इसे वापस लोअर केस में टाइप करने के लिए एक बार फिर कैप्स लॉक को दबा दें। शिफ्ट की। इस को दबाकर यदि आप कोई अक्षर कीज को दबाएं तो वह अपर केस में ही टाइप होगी। यदि कैप्स लॉक ऑन की स्थिति में हो तो यह क्रिया उलट जाती है। जब एक कीज पर दो चिन्ह या करेक्टर बने हो तब शिफ्ट को दबाने से ऊपरी चिन्ह स्क्रीन पर दिखाई देगा। कंट्रोल एम ऑल्ट की। कंट्रोल एम ऑल्ट की का प्रयोग अक्सर कोई विशेष काम करने के लिए अन्य कीज के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। जैसे कंट्रोल और सी को एक साथ दबाने पर आप डॉस प्रॉम्प्ट पर आ जाते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की को एक साथ दबाने से मशीन स्वयं दोबारा रीस्टार्ट भी हो सकती है। इसी तरीके से एंटर की। एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है और इसका मुख्य प्रयोग दो कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, यह पीसी को सूचना देता है कि आपने निर्देश दे दिया है, अतः वहाँ दिए गए निर्देशों को प्रोसेस या एग्जीक्यूट करें। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग करते समय एंटर की को दबाने पर नया पैराग्राफ या पंक्ति भी शुरू की जा सकती है। टैब की। यह कर्सर को पूर्व निर्धारित स्थान पर ले जाती है। इसके द्वारा आप पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं तथा कॉलम, टेक्स्ट या संख्याओं को एक सीध में लिख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में यह मेन्यू में एक विकल्प से दूसरे विकल्प में जाने में भी मदद करती है। इसी तरीके से डिलीट की। डिलीट की कर्सर की का उपयोग दाईं ओर लिखे करेक्टर या स्पेस को मिटाने के लिए कर सकते हैं। बैक स्पेस की।
इसे दबाकर भी आप कर्सर के बाईं ओर लिखे अक्षर को मिटा सकते हैं। ऐसा करने पर कर्सर अंत में टाइप किए अक्षर को मिटाते हुए बाईं ओर लौटता है। आशा है आप कीबोर्ड की कीज से परिचित हो गए होंगे। अब हम एक दूसरे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम माउस कहते हैं। वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है, जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस में दो या तीन बटन होते हैं, जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस के कार्य क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दायां क्लिकिंग यानी राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड स्क्रॉलिंग, ये माउस के कार्य हैं। जो स्टूडेंट कंप्यूटर का उपयोग करने में नए हैं, वे अक्सर इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि कहाँ पर सिंगल क्लिक किया जाए और कहाँ पर डबल क्लिक किया जाए। मैं उन स्टूडेंट के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप कंप्यूटर पर काम करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट पर सिंगल क्लिक करना है और किस ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना है। कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप किसी फोल्डर को ओपन करना चाहते हो, तो उस फोल्डर के पास माउस पॉइंटर ले जाकर डबल क्लिक कर फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपने फोल्डर में माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक किया है, तो फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अलग-अलग ऑब्जेक्ट में अलग-अलग तरीके से क्लिक करने पर अलग-अलग फंक्शंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं माउस के प्रकार की। माउस प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल माउस, प्रकाशी माउस यानी ऑप्टिकल माउस, तार रहित माउस जिसे हम कॉर्डलेस माउस भी कह सकते हैं। मैकेनिकल माउस, चलिए हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है। जब हम माउस को सतह पर घुमाते हैं, तो वह उस खोल के अंदर घूमती है। माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर्स को संकेत देते हैं, और उसी प्रकार एरो मूव करता है आपकी स्क्रीन पर, जिस प्रकार से रबर की गेंद घूमती है। इसी प्रकार प्रकाशी माउस, जिसे हम ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं, जो कि जनरली आजकल के समय में अधिकतर कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है। प्रकाशी माउस या ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का माउस है, जिसमें प्रकाश की एक पुंज या किरण जिसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, इसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। इसी तरीके से कॉर्डलेस माउस, यह भी जनरली आज की डेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स पर आपको दिखाई देगा। ऐसा माउस जो कंप्यूटर में तार के द्वारा जुड़ा नहीं होता, बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा कम्युनिकेट करता है, कॉर्डलेस माउस कहलाता है। इसमें दो मुख्य कंपोनेंट ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के रूप में माउस को गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है, तथा रिसीवर वह है जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है, तथा रिसीवर उस सिग्नल को प्राप्त करता है। आपने जाना कि माउस क्या है और वो कितने तरीके के होते हैं। चलिए हम एक और नए इनपुट डिवाइसेस के बारे में और जानें, जिसे हम जॉयस्टिक कहते हैं। यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेलने के लिए किया जाता है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड के द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल जिनमें तेज गति से खेलना हो, तो आप जॉयस्टिक डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। यह यूज़ करने में आसान है, और इसके अलावा माउस की तुलना में यह डिवाइस खेल खेलने में ज़्यादा सुविधाजनक है। इसी प्रकार एक और इनपुट डिवाइसेस है, जिसके बारे में हम और बात करें, जिसे हम लाइट पेन कहते हैं। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, यानी एक डिवाइस होती है। अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए किया जाता है, सिलेक्शन के लिए किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर स्टोर या संग्रहित किया जा सकता है, तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है।
आशा है इस लेक्चर के माध्यम से आप यह जान पाए होंगे कि कंप्यूटर के साथ जुड़ी मुख्य कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। धन्यवाद।